मंडला जिले की निवास तहसील के दर्जनों गांव इन दिनों भीषण जल संकट झेल रहे हैं, जहां पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। हालात ये है, ग्रामीण जान जोखिम में डालकर कुएं में नीचे उतरकर पानी भरने को मजबूर है। वहीं अनेक ग्रामों में झिरिया से पानी निकालकर पीने मजबूर हैं। पीएचई विभाग और प्रशासन की लापरवाही जल संकट बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है। मंडला जिले का निवास तहसील पठारी क्षेत्र माना जाता है और यहां जल स्रोत के नीचे गिरने से भीषण गर्मी में ग्रामीणों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, लेकिन इस ओर न तो कोई जनप्रतिनिधि और न ही प्रशासन ध्यान दे रहा है। परेशान ग्रामीणों ने आंदोलन करने की ठान ली है। जानकारी के अनुसार निवास जनपद के ग्राम पंचायत सरसवाही के पोषक ग्राम कोहरी में बूंद बूंद पानी को ग्रामीण तरस रहे हैं। यहां 350 की आबादी है। इस गांव में दर्जनों से अधिक खनन कार्य किए गए परंतु पानी नहीं निकला। यहां एकमात्र कुआ है जिसमें नामात्र का पानी बचा है, जो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। स्थिति यह है कि ग्रामीण रात 4 बजे से लाइन लगाकर 25 फुट कुएं में नीचे उतरकर बूंद बूंद पानी के लिए ग्रामीण संघर्षरत है। ग्राम में मवेशियों के लिए पानी उपलब्ध नहीं होने से कुछ मवेशी भूख प्यास से मर गए और कुछ मवेशियों को ग्रामीणों ने पास के गांव भेज दिया। हर साल होने वाले इस जल संकट से प्रशासन और जनप्रतिनिधि अवगत है, पर कभी इस ओर ध्यान नहीं देते। जाता ग्राम में गंदगी से मच्छर और बीमारियां भी पनप रही है। ग्राम के नजदीक 3 किलोमीटर दूरी पर जामुन टोला में बांध है। अगर उप बांध की नहर यहां तक आ जाए तो जल संकट कम हो जाएगा, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ग्रामीण कहते हैं कि पानी की किल्लत के चलते हमारे रिश्तेदार भी आने से कतराते हैं। कुल मिलाकर निवास तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांव जैसे चोरादा दार परिया का बैगा मोहल्ला जिंगपुर बिसोरा बसगड़ी फड़की चिंगलिया हाथी तारा भलवारा बस्तरी में भीषण जल संकट है। ग्राम जुझारी के ग्रामीण जिरिया का पानी पीने को मजबूर हैं। बिझोली अमगाम मानिकपुर सहित कई ऐसे गांव हैं जहां पानी को लेकर त्राही त्राही हैं। तो हमारे यहां जो है ना पानी की बहुत समस्या है। यहां भी पीला काला सब रहते हैं, 12-1 बजे से यहां पानी में लगे रहते हैं दिन ढूंढने की न पहले से। इसके बाद में सबको लड़ते मरते रहते हैं, पूरी रात कुआं में पानी के लिए आते हैं, पानी भी नहीं मिल रहे हैं। बच्चे जो शादी करने के लिए जो आ रहे हैं तो उनके लिए भी पानी के लिए तड़प रहे हैं, यहाँ पानी मिल नहीं रही है। दूसरी बात यह है कि 4 डब्बा ये 3 डब्बा ये टैंकर पानी मिलता है तो उसमें क्या होता है, यहाँ गुजर बस्त होता नहीं है। 3-3-4 दिन से नहाते धोते कोई नहीं है, हम अपन करें तो क्या करें। जल संकट तो है लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं किसी व्यक्ति को पेयजल के बिना रहने दिया जाए, आदि को पेयजल उपलब्ध करवाया जाए। अभी पोहरी पंचायत पोहरी गांव का समस्या है, वहाँ भी लिख कर प्रारंभ किए हैं। वो प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी गांव ऐसा ना हो जहाँ पर पेयजल की संकट हो। अभी आपके माध्यम से प्राप्त हुआ है 10-12 गाँव से, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर कुछ संकट हो, लोग बड़ा जगह होता है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि हर गांव में जल संकट का हल निकले। आप लोग सबके सहयोग से सबकी मदद से करेंगे। अभी हमने प्रयास किया है कि हमारे जनपद पंचायत के इस कार्यालय में एक केंद्र खोलेंगे जिसमें लोग सूचना दे सकें, शिकायत कर सकें, ताकि सेम डे हम पंचायत पीएचई भाग को या पंचायत को कॉन्टेक्ट करके उसको समन्वय करके प्रयास करें कि उसको जल संकट का हल निकल सके। तहसील निवास से रोहित चौकसे की रिपोर्ट।